एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह ने बताया कि 3 मई को पोलिंग पार्टियां विश्वविद्यालय परिसर से रवाना हुई थीं और 4 मई को सभी पोलिंग पार्टियां वापस विश्वविद्यालय आई थीं और सब विश्वविद्यालय के ग्राउंड पर खड़ी थीं, जिसमें 5,000 से अधिक लोग आए थे और खाने पीने में कूड़ा फैल गया, जिसको देखते हुए सुबह 6 बजे NDRF SDRF सहित प्रत्याशियों ने श्रमदान किया और सभी कूड़े को उठाकर नगर निगम की गाड़ियों को दे दिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ गोरखपुर हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे गोरखपुर में 3 मई को पोलिंग पार्टियां विश्वविद्यालय प्रांगण से रवाना हुई थी और 4 मई को सभी पोलिंग पार्टियाँ वापस विश्वविद्यालय आई थी। बसेज विश्वविद्यालय के प्रांगण में वहाँ मेन ग्राउंड में खड़ी थी। लगभग 5,000 से अधिक लोग, पोलिंग पार्टी, बस, सपोर्ट स्टाफ वहां आया और इन लोगों के द्वारा वहां पर पानी पिया गया या थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया गया। इन लोगों के द्वारा एक जो स्वतः कूड़ा फैल जाता है, जिसमें प्लास्टिक भी था, अन्य प्रकार का भी था, हमारा नैतिक दायित्व था कि हम इसकी सफाई करें, विश्वविद्यालय प्रांगण साफ सुथरा रहे। तो आज अभी सुबह 6 बजे हम लोगों ने, जिसमें NDRF, SDRF, सिविल डिफेंस, माननीय प्रत्याशीगण, अन्य लोग जो वहाँ ग्राउंड में थे, उन्होंने श्रमदान किया और पूरे विश्वविद्यालय के मेन ग्राउंड को संवाद भवन, वाणिज्य भवन, इंजीनियरिंग संकाय और उधर से होते हुए फिर हम लोग मेन ग्राउंड तक आए और सारा कूड़ा जो बिखरा हुआ था उसको बीन लिया गया, उसको उठा लिया गया और नगर निगम की गाड़ियों को हैंडओवर कर दिया गया। अब विश्वविद्यालय प्रांगण ऑलमोस्ट प्लास्टिक फ्री हो गया।